सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मुबारक गुल अबोरी स्पीकर मुकर्रर हुए हैं और 21 अक्टूबर को मुबारक गुल असेंबली में हल्फ लेंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हुकुमनामा जारी किया जो है और मुबारक गुल की बात करेंगे, उन्हें अबोरी स्पीकर जो है मुकर्रर किया है। एलजी मनोज सिन्हा ने हुकुमनामा जारी किया है जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि मुबारक गुल को अबूरी स्पीकर मुकर्रर जो है वो किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर असेंबली के 9 मुंतखब मेंबरान के हल्फ बर्दारी के लिए मुबारक अहमद गुल को अबूरी स्पीकर नामजद कर दिया गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत मुबारक गुल को अबूरी स्पीकर नामजद जो है वो किया है। 21 अक्टूबर की बात करें, 21 अक्टूबर को मुबारक गुल असेंबली में हल्फ लेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और ईदा के रुकन असेंबली मुबारक गुल को अबूरी स्पीकर मुकर्रर किया है, जो 21 अक्टूबर दोपहर के 2 बजे जम्मू कश्मीर असेंबली के 9 मुंतखब बरातीन को हल्फ देंगे। इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से हुक्मनामा भी जारी किया गया है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मुबारक गुल को अबूरी स्पीकर मुकर्रर किया जाता है। इसमें मजीद कहा गया है कि 21 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे कानून साज असेंबली श्रीनगर में जम्मू कश्मीर तंजीम नो एक्ट 2019 के सेक्शन 24 के तहत असेंबली के अराकीन को हल्फ दिलाएंगे। वो स्पीकर के इंतखाब के इनका तक स्पीकर के फर्ज भी अदा करेंगे। मुबारक गुल को अबूल स्पीकर जो है वो एलजी मनोज सिन्हा ने मुकर्रर किया है और 21 अक्टूबर को मुबारक गुल असेंबली में हल्फ लेंगे और इस पर एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से हुक्मनामा भी जारी किया गया है।